हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड शेयर के बारे में। अशोक लीलैंड शेयर की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए 78.90 की क्लोजिंग दी है। 1.05 रुपये शेयर बढ़ा है। 1.35% आज शेयर में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। दोस्तों, तो बात करेंगे कि कल कैसा रहेगा शेयर। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, देखिए आज कह सकते हैं, देखिए जो इसका हाई था वो था 80 का करीबन, और 79 के आसपास अगर बंद हुआ है तो कह सकते हैं हाई के थोड़ा सा पास ही बंद हुआ है। लेकिन आज शेयर में देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप कह सकते हैं मूव देखने को मिला है। देखिए शेयर सुबह थोड़ा सा रेड में ट्रेंड कर रहा था, लेकिन देखिए फिर से वहाँ से चढ़ा और देखिए 80 तक गया। हाँ, 80 पे देखिए आप कह सकते हैं बंद नहीं हुआ शेयर, 80 की क्लोजिंग नहीं दे पाया, पर ये देखिए अब ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए शेयर अगर 80 की प्लस की क्लोजिंग दे देता है तो ये सबसे अच्छी बात होगी शेयर के लिए, और शेयर को बहुत ज़्यादा चांसेस है 80 से 90 तक जाने के। अब शेयर का अगर हमारा चार्ट देखें तो देखिए एक चार्ट में हमें दिख रहा है कि देखिए थोड़ा सा ऊपर से नीचे रिकवरी आई है, आप कह सकते हैं गिरावट आई है। अब देखिए यहाँ से जो हाई था आज का, उसके बाद आप देखेंगे तो गिरावट आई है। देखिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत बार होता है शेयर देखिए अपने रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाते हैं, ब्रेक नहीं कर पाते हैं, और फिर वहाँ से गिरावट का दौर थोड़ा चालू हो जाता है। वैसे ही हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देखिए नीचे से थोड़ा सा फिर ऊपर आने की कोशिश किया है शेयर। देखिए हम देखेंगे तो लास्ट में एक आपको लाइन ज़रूर दिख रही होगी, देखिए यहाँ पर शेयर में ऊपर का लेवल आया है और देखने को मिला है, तो यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर गया है शेयर यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लगता है देखिए थोड़ा सा कल हो सकता है थोड़ा सा कल गिरावट में खुले शेयर, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। देखिए शेयर को अगर आप ख़रीदेंगे अभी 75-70 पे तो यहाँ पे बहुत अच्छा फ्यूचर है। अब देखिए अगर मुझे लगता है आने वाला टारगेट्स आपको दिवाली तक भी 100 रुपये भी मिल जाए शेयर तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अभी रेजिस्टेंस तोड़ा 73 का, सबसे इम्पोर्टेंट जो था 73 का रेजिस्टेंस तोड़ा। अब देखिए 80 के तरफ ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे 80 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर 80 के ऊपर क्लोजिंग देगा शेयर तो दोस्तों काफ़ी बड़ा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और 85 से 86 तक तो ये शॉर्ट कवरिंग में पक्का ही जाएगा। अब शेयर में आपको कहाँ संभलना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ टेक्निकल्स। अब इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों टेक्निकल्स की, लास्ट में बाइंग एक्टिव थी कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया है। 15 सेल 2 बाय ऑसिलेटर्स, 2 सेल 0 बाय मूविंग एवरेजेस, स्ट्रॉन्ग सेल। देखिए वही, देखिए जो गिरावट की हम बात कर रहे थे यहाँ पे गिरावट का थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपको आप रिएक्शन देखने को मिल चुका है। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेजेस ने स्ट्रॉन्ग सेल दे दी है, रिकमेंड कर दी है, और यहाँ पे 13 के बदले सिर्फ 2 बाय कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे आपको शेयर में देखने को मिल सकती है कल, पर वहाँ पे आपको दोस्तों ज़रूर ख़रीदना है शेयर में। आपको एवरी डिप पे जाके ख़रीदना है, क्योंकि शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और यहाँ पे आपको शेयर में आगे चलते हुए बहुत अच्छे अच्छे आपको इसमें मूव देखने को मिलेंगे। अब देखिए शेयर की अगर हम रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस की बात कर लें यहाँ पे, अब देखिए स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस वही है कि देखिए अगर 60 के नीचे जाएगा तो गिरेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा स्टॉप लॉस यह है 60 के नीचे जाएगा तो गिरेगा, जिसके चांसेस अभी बहुत ज़्यादा कम है। अब देखिए स्टॉप लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप समझ लीजिए 70 के नीचे की क्लोजिंग दे दी, फिर शेयर वापस से अटक जाएगा 73 के रेजिस्टेंस पे। 70 के नीचे अगर शेयर जाता है तो फिर आपको संभलना है। 72 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है, तो वहाँ पे आपको संभलना है कि अगर 72 के नीचे शेयर जाएगा तो यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। पर इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, देखिए 81 की क्लोजिंग, हाँ यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रहा था 81 की क्लोजिंग है। 80 की आप कह सकते हैं अगर 80 प्लस की क्लोजिंग देता है शेयर तो काफ़ी अच्छा है, और वहाँ से आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा शॉर्ट कवरिंग में। 85-86 की जो मैं आपको टारगेट दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या दे रखा है 85 का, 85.88 यानी 86 का रेजिस्टेंस है दोस्तों वो आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 86 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तो 90 से 93 तक शेयर जाएगा, तो यहाँ पे आपको संभल के ट्रेड करना। स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलिएगा दोस्तों यहाँ पे 72 के अगर गिरावट आती है तो थोड़ा सा फिर से अटक जाएगा शेयर जैसे अभी निकला है, तो यहाँ पे आपको संभल के ट्रेड करना है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, ओवरऑल बाइंग की सलाह रहेगी और अगले मंथ के टारगेट 90 होंगे अशोक लेलैंड के लिए। दोस्तों वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।